गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर में। आज है 5 मार्च और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए आज की अपडेट क्या है। सरकारी स्कूलों में 10 मार्च तक आयोजित करने होंगे वार्षिक उत्सव, संस्था प्रधानों को निर्देश जारी। दोस्तों, अगर आपसे संबंधित कोई भी अपडेट है तो आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं। ESIEC में 3,882 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा तिथि जारी। तो आप यहां पर देख सकते हैं पूरी अपडेट। अभ्यर्थियों को मिल सकती है खुशखबरी, रेलवे भर्ती पर कमेटी ने मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। परीक्षा परिणाम में हो रही देरी को लेकर छात्रों ने सौंपा ज्ञापन, साथ ही रखी ये मांग। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। प्रदेश में नए DLED कॉलेज में फिर शुरू हुए एडमिशन। SSC ने जारी की स्थगित सिलेक्शन, पोस्ट परीक्षा की तिथियां। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 2 वर्षीय प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए काउंसलिंग, CMHO कार्यालय में आज हो रही है दस्तावेजों की जांच। यह है कट ऑफ मार्क्स का प्रतिशत। JEE मेन 2 दिन में 72,000 से ज्यादा आवेदन, नहीं मिलेगा करेक्शन का मौका, पहले सेंटर लेने की गलत फहमी में हो रही गलतियां। राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 13 को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा। NEET PG काउंसलिंग में बड़ी लापरवाही, 1 सीट 2 स्टूडेंट्स को अलॉट। NEET PG 2021। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को रोडवेज में फ्री यात्रा। 6 मार्च को सिनेमा हॉल में फ्री दिखाई जाएगी फिल्म पेडमैन। विधि संकाय में LLM प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी। व्यास विश्वविद्यालय की शिक्षक भर्ती की 9 साल बाद फिर विधानसभा में गूंज। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विवादित भर्ती में शिक्षकों की बहाली से लेकर पदोन्नति पर मंडे आरोप। विश्वविद्यालय के एक शिक्षक को CM के लिखे पत्र पर चुटकी ली। राजस्थान लोक सेवा आयोग, ये दोस्तों प्रेस विज्ञप्ति है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा 2020-21 से संबंधित ये विज्ञप्ति है, आराम से इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। तो ये थी आज की अपडेट और आज का अच्छा सही सुविचार। कोई भी सफल व्यक्ति हमेशा नया सीखने की चाह रखता है, जबकि एक असफल व्यक्ति कुछ नया सीखने से डरता है। इसी के साथ दोस्तों आज की अपडेट समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।